हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज हम करने वाले हैं स्पाइसी एएफ क्यूएनए एंड आई विल बी क्रिएटिंग दिस अवार्ड विनिंग लुक, जिससे मुझे फेमिना मामाअर्थ का अवार्ड मिला था क्रिएटर्स फॉर गुड का। उस नाइट का मैंने पूरा लुक, आई हैव स्लिप्ड इनटू द सेम काजो गाउन। मेरे पास आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैं सारा मेकअप से रिलेटेड चीजें नहीं बता पाऊंगी, सो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट माई इंटेंट इज के मैं जितनी ऑनेस्टली बिना पंगे में पड़े ठीक से आंसर कर पाऊँ, एकदम करण जौहर के रैपिड फायर जैसे वैसे आंसर करूं। सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइस, सो आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो लुकिंग लाइक दिस। मेरा एसी और पंखा दोनों ऑन है, मैंने माइक कनेक्ट की हुई है, सो आई होप द ऑडियो इज ऑल राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियो इशू एंड नो मैटर हाउ मच यू अपग्रेड, लाइफ में कुछ ना कुछ तो रह जाता है बनी। ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू प्लानिंग ऑन मूविंग आउट अलोन? नो, आई डोंट थिंक दैट आई एम एवर गोना मूव आउट अलोन। आई हेट मूविंग आउट एंड लिविंग अवे फ्रॉम माई फैमिली, नो मैटर। कभी कभी या दे डू ड्राइव मी क्रेजी एंड आई ड्राइव दम क्रेजी, बट आई लव माई फैमिली टू बिट, सो आई नेवर थिंक ऑफ moving out separately for the rest of my life, yeah, living alone in some other city. I mean, that is a good life for people who want it, but I personally really enjoy spending time with my family. And I know some people might argue with it ki aapko independent hona life mein bahut zyada important hai and just to go and live alone and just experience things differently, but I feel like I am pretty independent in the way that main apna dhyan rakhti hu and at the same time I take care of my family as well, not in terms of like financially to hai, but emotionally and just to support them in a lot of different ways. So to have that responsibility is also very new to me. At the same time, it will help me grow in future. Next one is by Geetika. Spill the most recent tea you've gotten. Ooh, I have a lot of tea with me, but मैं उसको disclose नहीं कर सकती because अब ना क्या हो गया है, मुझे ना काफ़ी लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें उनके new plans वगैरह सब पता चल गया है, so I am loyal to them, so मैं किसी का secret disclose नहीं करना चाहती, but I do have a lot of tea. टी एज इन नॉट ड्रामा बट सम सीक्रेट्स जो बाद में आप लोगों को पता चलेंगे वेन दे फील कम्फर्टेबल शेयरिंग दैट विद यू गाइज। आई डू हैव वन थिंग टू से अबाउट रणवीर सिंह, अपार्ट फ्रॉम मी बींग अ फैन ऑफ हिज, बट द फैक्ट दैट ही इज सो एक्स्ट्रा कि वो अपना खुद का स्पीकर एंड मोबाइल से कनेक्टेड सब लेके चलता है अपने साथ, एंड जब उनको बोला कि आप अपने अवार्ड के साथ पोज करो ना, तो वो अपने स्पीकर से कनेक्ट करके अपने वाले गाने चला रहा था, ब्राउन मुंडे एंड एक मराठी गाना था, सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ वेरी लाइक पेपी सॉन्ग्स जो एनर्जी वगैरह बढ़ा लेते हैं एंड वो ना ऐसे खलेरी बंदे ही कर पाते हैं, सो ही वॉज जस्ट वाइबिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ ए स्पीकर एंड देन जस्ट बीच बीच में गा रहा था ऐसे 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 करके एंड देन साथ में फोटो खिंचा रहा था, सो इट वॉज जस्ट अ फन टाइम। लाइक उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी एंजॉय करने लगे थे वहां पे। दिस वॉज समथिंग अगर अनलेस यू आर इन द इवेंट आपको पता नहीं चलेगा, सो आई होप मेरी ऑडियंस ये रणवीर सिंह फैक्ट एंजॉय कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्स्ट मोमेंट यू हैड इन द अवार्ड फंक्शन। आई डोंट फील लाइक द अवार्ड फंक्शन वॉज बैड इन एनी वे फॉर मी, लाइक स्पेशली मैं अपने लिए बोल सकती हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड द व्लॉग बाय सेइंग दैट आई एम नॉट गोना विन। इवन इफ आई बिन कोलैबोरेटिंग विद मामाअर्थ अ लॉट, इट वॉज विद फेमिना एंड फेमिना और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है एंड दे हैड अ लॉट ऑफ बिग नेम्स देयर एंड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, सो मुझे लगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगी, बट लाइक ऑकवर्ड मोमेंट हो सकता है मेरे लिए बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 6-7 साल से हूँ एंड अलॉन्ग द वे येस आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स बट ऑल्सो सम weird connections or some beef with people, just say like there is one sided beef because maine apni taraf se har cheez khatam kar di hai and if I'm seeing someone agar wo mere taraf halki si smile bhi kare ya fir if they are like a little okay towards me, main jaake hi bol dungi, like maine wo inhibitions apne hata diye hain, but there were some people jinke sath I am not really comfortable with, so just to be in the same room with them was a little awkward, but at the end of the day we are in the same industry and you can't really run away from it. So new creators ko meri ye advice hogi के बीच में अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम हो ना, जस्ट उनसे मत झगड़ो या फिर उनके साथ एनिमोसिटी क्रिएट मत करो, क्योंकि बाद में जाके आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा व्हेन दे आर इन द सेम इवेंट एंड यू आर इन द सेम इवेंट। सो या जस्ट डोंट क्रिएट बीफ्स विद एनीवन, दैट विल बी माय एडवाइस टू यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब के अलावा क्या प्लान है लाइफ में अर्निंग का? ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ प्लान। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही किया था एंड इनकम 1-1.5 साल तक नहीं आ रही थी एंड इट वॉज लाइक इसके अलावा क्या प्लान है तुम्हारा लाइफ में, बट ऑनेस्टली तब भी कोई प्लान नहीं था एंड अब भी कोई प्लान नहीं है। आई एम वन सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बिल्कुल अपने प्लान ए में बिलीव करती है कि अगर मैंने ये सोचा है मैं इसको उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगी, एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर कि अगर आप आसपास की चीज़ें अपना प्लान बी या सी या डी सोचते रहोगे ना, तो आपको वो कभी प्लान ए मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप उसकी तरफ 100% डेडिकेटेड नहीं थे। यू शुड होल हार्टेड
हार्टेडली होल हार्टेडली बिलीव कि ये जो मैंने सोचा है ये मेरे साथ होके रहेगा. एंड आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट बिकॉज ऐसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिर्फ अपने चैनल में वही चीज़ बोलती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस की हो. एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप लगे रहो, अगर आप जिद्दी बने रहो एंड उसके लिए हर दिन स्टेप लो, कुछ ना कुछ, एकदम बेबी स्टेप हो या एक दिन बड़ा स्टेप हो, कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में करते रहो ना, तो वो हो जाएगा. एंड दैट इज वाई आई डोंट हैव अनदर प्लान ऑफ अर्निंग एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ. इवन इफ आई डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग टूडे, आई थिंक आई हैव इनफ मनी कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ अगले 4-5-6 साल. एंड उन 4-5-6 सालों में मुझे और मौका कुछ नया सोचने का मिल जाएगा इफ एट ऑल माई यूट्यूब चैनल फ्लॉप्स या कुछ उसको हो जाए. सो या दैट इज माई प्लान. आई थिंक माई ओनली प्लान इज दैट जस्ट बी वाइज विद योर मनी एंड जो अभी सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको मैं कैसे और ज्यादा बढ़ा पाऊँ, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज मिले जिनको मैं ग्रैब कर पाऊँ. जस्ट गोना अप्लाई सम ब्लश एंड टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट वॉज योर मोस्ट अर्नड अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब और अ ब्रांड? मेन थिंग जो यूट्यूबर्स, जो बड़े यूट्यूबर्स जिनका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो एक हस्ती या नाम बन जाते हैं, वो कैसे कमाते हैं, इज थ्रू स्पॉन्सरशिप्स. एंड सिंस यू हैव आस्क्ड व्हाट्स द मोस्ट अमाउंट दैट आई हैव अर्नड फ्रॉम यूट्यूब ब्रांड, इट वॉज अराउंड 6 lakhs एंड इट वॉज लाइक अ रियली गुड डील विद अ गुड ब्रांड एंड आई जस्ट रियली एन्जॉयड वर्किंग विद देम. सो आई थिंक ये 2 या 3 वीडियो या कुछ एक कॉम्बो पैकेज था जिसमें मुझे वीडियो भी बनानी थी और इंस्टाग्राम पे भी उसके अराउंड रील बनानी थी या स्टोरी बनानी थी, समथिंग लाइक दैट. सो हमने उनको एक पैकेज डील दिया था. सो या आई गॉट 6 lakhs फॉर दैट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. हाउ डज इट फील व्हेन यू आर अटेंडिंग एन इवेंट विद बॉयफ्रेंड एंड अदर्स विद हबी? आई फील इट फील्स ओके. आई मीन कुछ लोग बिना किसी बंदे के भी आए थे, कुछ लोग अपने मैनेजर्स के साथ आए थे, कुछ लोग अपने बेस्टी के साथ आए थे. सो इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज द ओनली वन जो कि एक बंदे के साथ थी एंड साथ में बाकी सारे हस्बैंड्स के साथ थे. मैरिड लोगों की स्टोरीज सुन के बहुत अच्छा लगता है एंड उससे मेरा विश्वास और ऐसे बिल्कुल फर्म हो जाता है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी है. विच कॉन्टेंट यू डोंट लाइक इन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड से स्पेसिफिकली द कॉन्टेंट? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कौन से इन्फ्लुएंसर, कौन सा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ओवर रेटेड है या ये वो. एंड आई एम हैप्पी to answer that too, but I am really happy that आपने content की बात की because that's what I focus on the most and the kind of content that I personally don't relate to is extravagant like face painting या कुछ face पे चिपका रहे हो या फिर कुछ आप animated सा बना रहे हो. I mean that is good for a certain section of the industry जिनका वो काम है या job है, but मैं personally वो videos देखना enjoy नहीं करती. I do love their reels, like उसमें पूरा process नहीं होता and just transformation reels होती है, वो मुझे बहुत अच्छी और interesting लगती है. But in terms of long form content, I don't enjoy watching people paint their faces. It's a form of art and people really enjoy being creative and expressing themselves and I'm all for it. But personally, मुझे to go through that content इतना लंबा देखना मैं काफी bore हो जाती हूँ. Next question is, do you wear tummy tucker inside dresses? Yes, I do. I don't often wear tummy tuckers inside dresses. मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं. I think I have one जो पूरा एक body suit है यहाँ ऊपर तक का and वही मैंने इस dress के नीचे पहना था जब मैं award function में गई थी. This is not like अभी मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है. How do you clean your hair down there apart from waxing? I do not wax down there. I am too scared and मैं खुद से ना करना चाहती हूँ because मुझे लग रहा है मैं खुद को जला लूँगी and I am not comfortable going to the parlor जो मेरा पूरा ऐसे खोल खोल के ऐसे wax करे. It's just, it's so horrifying, like I cringe to the thought of it. And just to be totally transparent, pubic hair is very healthy for your body. It is supposed to protect you from all kinds of bacterial infections. So just keep some down there. And honestly, it depends on my mood, yeah. Like, jab mere ko man karta hai, kabhi kabhi main pura shave kar leti hu. So I only shave or trim down there and nothing else. Like waxing to main bilkul bhi nahi kar sakti wahan pe. Next one is, what is the wildest thing you've done to seek someone's attention? I don't think I'm that person जो कि किसी की attention seek करने के लिए इतना कुछ करेगा. मैं अपनी mom की बहुत ज़्यादा attention seek करती थी. So I used to come up with these false के मुझे चोट लग गई है या मुझे यहाँ पेट दर्द हो रहा है या ये, क्योंकि ना as a child like मैं बहुत छोटी थी जब हमें रवि के बारे में पता चल गया था. And then जैसे ही रवि के बारे में पता चला हमें, my parents, everyone's attention went into him. And as a child आपको इतनी समझ नहीं होती है कि हाँ he is the person जिसको सच में attention की ज़रूरत है. एंड क्योंकि मैं बच्चा थी, आई वॉज ऑल्सो लाइक के मुझे भी तो कोई प्यार करे, मुझे भी तो कोई ऐसे कडल करे. सो आई वॉज अ वेरी कडली चाइल्ड जब मैं बहुत छोटी थी. सो दैट्स वॉट आई डिड. लाइक मैं मम्मी के पास जाती थी एंड आई यूज टू जस्ट से कि मेरे को बीमार फील हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है. क्या होता था, वो लोग मुझे ज़्यादा काम करने को बोलते नहीं थे. एक तो लाइक ये ला दे वो ला दे एंड मुझे सब आके ऐसे पानी ला के दे रहे हैं, खाना ला के दे रहे हैं. एंड जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थका हुआ एक्ट करती थी तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे रोती तोड़ तोड़ के ऐसे खिलाती थी खाना. एंड मुझे टू दिस डे मॉम के हाथ से खाना बहुत पसंद है. जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ एंड आई डो नॉट हैव टाइम टू ईट एंड मैं एक डेडलाइन पे होती हूँ तो मेरी मम्मी अभी भी मुझे खिलाती है व्हाइल आई एम एडिटिंग.
writing on my laptop. So that is one moment that I really really like. And उस attention, उस प्यार के लिए मैं इतना तरसा करती थी क्योंकि रवि की तरफ सारा attention होता था. I feel like the only person जिनका love and attention मैं शुरू से crave करती थी was my mom, and to this day it's her. Will you shift to Mumbai if the chance is given? I mean, of course, yeah. अगर मेरे को एक बहुत अच्छी professional opportunity आती है for which I have to like go to Mumbai, shift there for a while, then I will go. And otherwise permanently, तो I don't think कि I can see myself living in Mumbai because I love Delhi way too much. I absolutely love the vibe there, the freeness, the safety you feel वहाँ पे, बिल्कुल रात को भी निकल जाओ. And everyone is so freaking kind there. And everyone is so busy there कि किसी और के काम में क्या चल रहा है देखने का कुछ इतना time नहीं मिलता है. And I love that vibe. Okay, so a lot of you guys asked me कि मैंने आंखों पे ऊपर कौन सा shimmer लगाया था. And it's actually from this brand called Forever 52. And ये बहुत ही ज़्यादा pretty mermaid sort of shade है. इसका नाम भी sea wave है. इसका जो pigmentation आता है ना वो बहुत ही ऐसे dual tone का आता है, which I really like. Something like this. Let's answer the next question. A psycho bad habit of yours, we all have one. ओके, सो आई डोंट थिंक कि मेरी कोई बहुत बैड हैबिट है, बट आई या आई डू हैव सम साइको हैबिट्स. मुझे ना लाइफ में हर चीज़ ठीक से रखने की एंड ठीक से यूज़ करने की बहुत आदत है. सो वन वेरी साइको हैबिट ऑफ माइंड विच इज़ नॉट अ बैड हैबिट एक्चुअली, आई डोंट नो वॉट इट इज़, वेरी रैंडम, इज़ वेन आई ईट फूड टू दिस डे आई विल च्यू द फूड होल्ली फ्रॉम वन साइड एंड उसके बाद जो मैं नेक्स्ट निवाला लूंगी वो मुझे इस साइड से चबाना है. सो मेरा एक कॉन्स्टेंट बैटल मुंह के अंदर चल रहा होता है एंड दैट इज समथिंग दैट ईशान इज ऑल्सो नोटिस एंड ही इज लाइक, वट द हेल आर यू डूइंग. एंड नाउ दैट आई हैव विजडम टूथ पेन इन माई लेफ्ट टीथ, आई एम सो लाइक, कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल मेंटली हो जाता है बिकॉज मुझे इतनी टाइम से, इतने सालों से आदत है खाना ऐसे ही खाने की. सो जब इस साइड में दर्द होता है ना तो मुझे कंटिन्यूसली इस साइड से चबाना पड़ता है एंड दैट इज लाइक यार मेरा बड़ा मूड खराब हो जाता है उससे. लाइक दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स माय डेली लाइफ. नेक्स्ट वन इज, डू यू प्लान ऑन स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट दैट्स नॉट एक्सप्लोर्ड बाय यू, सो इंटरेस्टेड. सो आई डोंट फील लाइक आई एम अ पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन. इट्स समथिंग लाइक होस्टिंग, लाइक मैं किसी को अपना शो में गेस्ट में बुला रही हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ. आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट आई विल बी एबल टू डू बिकॉज मैं ना इतनी रिएक्टिव नहीं हूँ. लाइक आपने मेरे कोलैब्स में भी लोगों के साथ देखा होगा जब वो अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, आई एम जस्ट लाइक एंड सामने वाले को लगता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. एंड इवन इफ द पर्सन नोज मी, वीडियो में ऐसा इंप्रेशन आता है कि लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अदिति तो बड़ा डिसइंटरेस्टेड लग रही थी. देन पूरा कॉन्वर्जेशन से एक टॉपिक निकाल लेना एंड आगे उसके सवाल पूछना वो मेरी पर्सनालिटी में नहीं है. सो आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर होस्टिंग अ पॉडकास्ट. अगर मेरा खुद का पॉडकास्ट हुआ, जैसे मैं पॉइंटलेस स्टोरीज विद अदिति करती हूँ, उसमें मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताने, अपनी जर्नी के बारे में बात करनी है, दैट आई बी एबल टू डू वेरी वेल. बट जस्ट टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन इज नॉट माई बिगेस्ट एसेट. हु सीम द फेकेस्ट टू यू इन द इवेंट, वट वॉज द वर्स्ट पार्ट? अगेन आई डिड नॉट हैव एनी वर्स्ट पार्ट्स इन द इवेंट बिकॉज आई लाइक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नाइट्स ऑफ माई लाइफ. बट फेकेस्ट, या आई कैन नेम अ फ्यू पीपल जो बहुत ही ज़्यादा फेक एक्ट कर रहे थे. लाइक यू कुड रियली सी के दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, बट एज सून एज आई वन द अवार्ड देन दे वर लाइक ओ हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक जो पहले मुझे बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे थे. आई कैन नॉट जज के हाँ वो पक्का ही ऐसे थे जो बड़ा चेप हो रहे थे जस्ट बिकॉज आई वन द अवार्ड, बट आई गॉट अ सर्टन काइंड ऑफ वाइब फ्रॉम देम एंड या दैट्स अबाउट इट. So there were a few fake ones which I can't name because I don't want any drama in my life right now, but yeah, there were certainly people. How was meeting Mridul in real life and why didn't you stay over for the next events? So I really, like, to be really honest, and main bilkul aise camera ke liye nahi keh rahi because main mil ke aayi, but to be really honest, mujhe bahut 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 fun loving lagi Mridul. Like when you watch her videos na, you get this very cute and sweet vibe from her. But when you meet her, you get a very like fun vibe. Like I don't mean to say ki uski videos fun nahi hai, but when you meet her, it's 10x that. And she is someone who is a great conversationalist. So agar aapko podcast chahiye, you should bug Mridul about it because wo sach mein bahut achhi achhi baatein kar leti hai. To meet Mridul in person for the first time, first of all, she hugged me aate hi. It was just such a blast to have food with them, talk to them and idhar udhar ki baatein. Bahut zyada maza aaya. So I really loved it. And why didn't I stay over is because I do have some prior commitments here in Delhi and mujhe idhar udhar jana hai. Bahut sari
सारी चीज़ें अभी लाइफ में चल रही है, जो कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आई थिंक करोड़ों बार बोल दिया है कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, बट क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स अभी हो रहा है, मैं सारा वो चीज़ व्लॉग कर रही हूँ, तो आपको बाद में जब पूरी वीडियो एंड पूरा कॉन्टेंट रेडी हो जाएगा ना, मैं आपको तब दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद मासा। मासा मीन्स मयंक एंड साइमा। सो आई वेंट देयर बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे स्पेशली बोला था, तू अपनी लाज शर्म सब भूल के जाइयो और मयंक और साइमा को जरूर बताइयो कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बिकॉज माय मॉम लाइक लिटरली मैं रात में सो रही होंगी और कंबल के नीचे मुझे आवाजें आएंगी एंड देन व्हेन आई सी इट वो मासा का ब्लॉग देख रही है। सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। सो उन दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है, देर रियली नाइस एंड साइमा भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम पहले बहुत बार बातें कर चुके हैं। शी इज लाइक और बताओ अदिति क्या हालचाल चल रहा है, एंड वो अपनी बातें काफी बता रहे थे घर की, मैरिड लाइफ की, एंड एवरीथिंग अबाउट इट वॉज सुपर स्मूथ। ईशान और मयंक इतनी बातें कर रहे थे अबाउट स्पीति वैली एंड हाउ दे वॉन्ट टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। दे आर जस्ट सुपर हम्बल पीपल। लाइक साइमा को आपको देख के लगेगा नहीं कि वो इतनी बड़ी स्टार है, बिकॉज उनमें एक तिनका भी एटीट्यूड नहीं है, विच आई रियली लाइक। Alright, next question is, do you feel that any other creator got jealous when you won the award? I don't feel like कोई भी जेलस हुआ होगा, एंड मेरे से तो क्यों ही होंगे। आई डोंट फील के लोग ना इतना ज़्यादा सोच के आए थे या इतना सीरियसली लेके आए थे। इवन मैं भूली हुई थी कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, बिकॉज वी वर जस्ट लाइक वी वांट टू हैव अ फन टाइम। इतने सारे टाइम बाद, पैंडेमिक के बाद, इतना ज़्यादा कष्ट झेलने के बाद, इतने ज़्यादा ट्रॉमा के बाद हम लोग सब मिल रहे हैं एंड वी वर सो ग्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेक्शुअल लाइफ इन अ वर्ड? ड्राई। विच इन्फ्लुएंसर गेव यू कोल्ड वाइब्स ड्यूरिंग द इवेंट? आई फील के अगर मैं किसी से, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है मैं जाके बार बार बात नहीं करती हूँ, सो मे बी लोगों को लगाओ कि मैं उनको कोल्ड वाइब दे रही हूँ, विच इज नॉट द केस। आई एम जस्ट अ वेरी शाई पर्सन, बट या आई फील लाइक अगर आप दूसरों से पूछोगे कहीं लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा कि क्वर्की में सपने आपको बन रही थी बहुत ज्यादा ऐसे करके, कि वो अपना ईशान के साथ ही साइड में लगी हुई थी गप्पे मारने, बट दैट इज नॉट द केस। आई रियली वॉन्ट टॉक टू यू, जस्ट कमेंट से हाई, बिकॉज मुझे वो मेरी फटती है हाई बोलने में। मुझे लगता है वॉट इफ, क्योंकि मैंने पहले जब मैं कुछ नहीं थी, बिल्कुल स्टार्ट आउट करी थी, मैंने लोगों का इतना अनवॉन्टेड अननेसेसरी एटीट्यूड झेला ना, तो मुझे उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मैं वो फिर से लाइफ में फेस नहीं करना चाहती। एंड नाउ दैट पीपल काइंड ऑफ नो मी, तो मुझे लगता है कि हाँ अब जाके मैं हाई बोल सकती हूँ। सो इफ आई नो अ पर्सन लाइक मृदुल को मैं जानती हूँ, सारा को मैं जानती हूँ, बीच में बात डीएम्स पे हो चुकी है, तो मैं जाके उनको हाई बोल सकती हूँ, बट जिनसे कभी भी बात नहीं हुई है, इवन इफ आई नो कि ये क्रिएटर है, मैं नहीं जाके हाई बोल पाती। सो या इफ यू नो मी, इफ यू लाइक मी, प्लीज कम टू मी एंड टॉक टू मी। जैसे शालिनी मंडल ने मेरे से बात की थी, आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट, हिमाद्री ने मेरे से बात की, सो काफी मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, As a kid, which thing always depressed you? I don't feel anything depressed me, yaar. I feel like going through the teenage years, jab mera फैमिली का थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हो गई थी और घर में बहुत ज़्यादा झगड़े और वो बैंक वाले आ रहे हैं तंग कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें जो थी वो काफ़ी डिप्रेसिंग थी। बट एज अ किड मेरा बचपन फेयरली बहुत अच्छा रहा था कंपेयर टू माई टीनेज ईयर्स, माई फॉर्मेटिव ईयर्स। लग रहा था हर जगह से हर सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, बी इट माई स्टडीज़, बी इट फाइनेंशियली, बी इट घर में जो माहौल है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति बिहेवियर है, एवरीथिंग वॉज लाइक एट द वर्स्ट एंड रॉक बॉटम हिट कर चुके थे हम, तो वो डिप्रेसिंग टाइम था। बट एज अ किड ऐसा कुछ डिप्रेसिंग टाइम नहीं था मेरी लाइफ में। व्हाई डोंट यू वांट टू हैव योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, व्हाई ऑप्टिंग फॉर अडॉप्शन? फील लाइक ऐसा कोई मेरा सेट प्लान नहीं है। ये क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम के किसी क्यू एन ए में किसी ने पूछा था कि वुड यू लाइक टू अडॉप्ट, सो आई वॉज लाइक यार दैट्स द प्लान, अगर मेरे को आगे जाके लाइफ में बच्चा चाहिए होगा आई विल अडॉप्ट इट मोस्ट प्रॉबेबली रादर देन यूज माई ओन जीन्स। एंड आई ऑल्सो एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मुझे लाइफ लॉन्ग ना रवि का ध्यान रखना है, इवन वेन माई पेरेंट्स आर नॉट देयर एनी मोर, कभी ना कभी वो टाइम आना है। लेट्स be practical, let's be honest, I would be totally dedicated to him like I am today, and I want to take care of him, I want to be able to dedicate my focus towards him, so I don't feel like main अगर by chance मेरा खुद का biological बच्चा हो और वो भी मुझे आगे जाके पता चले specially abled है, so it will be too much for me personally to balance, and क्योंकि I am the one जिसको ध्यान रखना होगा दोनों का, I think it will make me go mad. It doesn't have to be your own khoon, yaar. It's just humans are humans and you're just giving respect to a life and that is enough. And then I also need to take care of my own brother who is a specially abled child and I just really want ke main dono cheeze sambhal paun. So that is the only reason ke main biologically apna child nahi chahti ke what if वो स्पेशली एबल्ड हो गया, देन आई हैव टू टू पीपल टू टेक केयर ऑफ। एंड मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है यार, मेरे पापा के जो भाई थे वो भी ऐसे थे एंड देन उनका बच्चा भी वैसा हो गया, एंड हिज मॉम वॉज ऑल्सो, मेरी दादी वो भी स्किज़ोफ्रेनिक थी। सो मेरे डैड ने एक पॉइंट पे एज अ वेरी यंग मैन तीन चीज़ें देखी हैं, कि बच्चा भी स्पेशली एबल्ड है, भाई भी स्पेशली एबल्ड है, मॉम को स्किज़ोफ्रेनिया है एंड ही जस्ट हैज़ अ नॉर्मल वाइफ एंड अ डॉटर जो कि काफ़ी जिद्दी थी। सो आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप लाइक हिम एंड आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम एवरी वंस लाइफ एंड मिस्टेक्स एंड जस्ट सिचुएशंस
लेस्बियंस जो उनके साथ हो गई एंड आई वॉन्ट टू अवॉइड दम एट ऑल कॉस्ट. विच यूट्यूबर वुड यू लाइक टू हैव अ लेस्बियन एनकाउंटर विद? आई फील लाइक एवरी वन एट दिस पॉइंट नोज द आंसर, इट विल बी चैक्रो. बट मुझे पता है सब लोग मुझे बोलेंगे कि चैक्रो के अलावा बताना था ना आपको, हमको तो पता है कि आप चैक्रो बोलोगे. सो अनदर पर्सन हु आई वुड लाइक टू हैव अ लेस्बियन एनकाउंटर विद, आई फील लाइक इट वुड बी either Janhvi, the brown daughter, just because I find her very hot and very like aesthetically pleasing. Like I like those sort of girls. If I was a guy, I would be totally attracted to her. Your favorite beauty influencer and why? Like elaborate. Love you too, Avipsa. Beauty influencers में से ना I do have a lot of favorites, but current favorite जिसकी मैं सबसे ज़्यादा binge watch videos कर रही हूँ is सारा सरोज, because मैंने अभी उसका Femina Awards में भी makeup देखा है यार. It's so तगड़ा, it's so bomb, and at the same time उसका सामने से भी अच्छा लग रहा था और फोटो में और अच्छा लग रहा था. सो दैट इज एन आर्ट दैट आई हैव टू मास्टर. लाइक आई समटाइम्स गो ऑफ विद माई मेकअप, हर आई मेकअप, द लिपस्टिक, एवरीथिंग, हर होल लुक. आई फील लाइक बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी वो. एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटी कॉन्टेंट, मुझे सारा सरोज का ब्यूटी कॉन्टेंट काफी अच्छा लगता है. एंड दैट इज अबाउट इट यू गाइज. आई थिंक वी हैड सम वेरी स्पाइसी क्वेश्चन, सम लेस्बियन एनकाउंटर वैक्सिंग डाउन देयर क्वेश्चन. सो आई रियली होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो. दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज. आई फील लाइक आई लुक सो क्यूट. एंड जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अलॉन्ग विद द लिंक, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट. बट ये वीडियो करने में साथ में मेकअप करने में बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक लगा. सो मजा तो बहुत ही ज्यादा आया. एंड आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देख के मजा आया हो. नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @thatquirkymiss. सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.